जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिप्लोमा एसपीटी बिहार का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एसपीटी बिहार का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू 2018 का इवन सेमेस्टर का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू लॉग वाई देन एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ 1 by y is equal to, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है f of y equal to log y, ठीक है। देखिए तो हमें जो है यहाँ पर f of y plus f of 1 by y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हम पूछे कि f of 1 by y equal to क्या होगा, तो यहाँ पर हम y के बदला में 1 by y लिखे हैं, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 1 by y हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा f of 1 by y equal to, फॉर्मूला होता है log a by b का, log a माइनस बी, यानी कि log 1 माइनस log b, ठीक है, यानी कि y। अब देखिए log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि f ऑफ 1 बाई y इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस log y, ठीक है। तो f ऑफ 1 बाई y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस log y, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा अब हम जो है वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में जो है क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वन बाई वाई। तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, लॉग वाई, उसके बाद एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, तो माइनस लॉग वाई है, तो माइनस हो जाएगा लॉग वाई। तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा, तो सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज जीरो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है लिमिट x टेंस टू a है, x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 डिवाइडेड बाय x बाय a इज इक्वल टू। तो सबसे पहले जो है लिमिट लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो x का पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस ए का पावर 2 का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका x माइनस ए, ठीक है। और आपका लिमिट रहेगा x टेंस टू a। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a हो गया, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि आपका फिर से एक फार्मूला बन रहा है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर हो गया प्लस में ए स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो गया x माइनस ए। तो x माइनस ए और x माइनस ए कैंसल, यानी कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, आपके पास बचा x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो है हम x इक्वल टू जब a पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2a इंटू 2a स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 a का पावर 3, ठीक है। यानी कि आपका जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 4aq, यानी कि b नंबर जो आपका जो है ये करेक्ट आंसर है, b जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिग्री डिवाइडेड बाय x। तो सबसे पहले तो आपका डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि x डिग्री इक्वल टू रेडियन में क्या हो जाएगा, x इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री, यानी कि x इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, फार्मूला क्या होता है देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपका होता है वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू होता है 0, यानी कि ऊपर में आपका देखिएगा x के जगह पर क्या है, तो साइन x इंटू पाई बाई 180, तो हम नीचे क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लिमिट
x टेंस टू जीरो साइन x इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x इंटू पाई बाय 180, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है हम साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू होता है 1, अर्थात लिमिट x टेंस टू 0 रहे साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू होता है 1, इसलिए ऊपर में था x इंटू पाई बाई 180, तो हमने नीचे में कर दिया, x तो था ही तो हमने पाई बाई 180 से नीचे में मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू होता है 1, यानी कि ये हो गया 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, तो आपका केवल क्या बचेगा पाई बाई 180, ठीक है पाई बाई 180, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x, ठीक है 10x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 10x इक्वल टू तो होता है sec स्क्वायर x, यानी कि इसके लिए आपका जो है आंसर जो है sec स्क्वायर x जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec इनवर्स x, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में sec इनवर्स x, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d by डी एक्स इक्वल टू तो होता है 1 डिवाइडेड बाई मॉड x इंटू रूट अंडर 1 माइनस सॉरी x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो है कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो है a नंबर में लेकिन मॉड नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप जो है इसको नन ऑफ दिस जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है तो नन ऑफ दिस जो है आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मॉड नहीं है, अगर मॉड रहता तो ये जो है करेक्ट आंसर होता, तो मॉड नहीं है तो फिलहाल जो है नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ए एक्स प्लस बी तो इसका क्या होगा लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है इंटू अब ए एक्स प्लस बी का होगा तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, ये किस में दिया हुआ है तो सी नंबर में ये दिया हुआ है, तो सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है तो डिफरेंशिएशन करेंगे रूट साइन एक्स का, ठीक है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले रूट एक्स का रूट का क्या होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा, अब रूट का भी हो गया, अब रूट का हो गया उसके बाद साइन एक्स का होगा तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है कॉस एक्स, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट साइन एक्स, तो ये किस में आंसर है तो आंसर जो है ऑप्शन आपका ए नंबर में जो है दिया हुआ है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट साइन एक्स, तो आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग 10x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है तो लॉग 10x, तो सबसे पहले लॉग एक्स का क्या होता है, जैसे कि हम इसको करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग 10x, ठीक है इसको हमको x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें, तो सबसे पहले log x का क्या होता है तो log x का होता है 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई 10x हो गया, ठीक है अब 10x का होगा तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो sec स्क्वायर x हो जाता है तो sec स्क्वायर x, यानी कि आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि इस तरह से आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 10x को लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है इंटू sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, यानी कि आपका हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x इंटू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, तो यहाँ से cos x और cos एक कटेगा तो एक बच जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई sin x इंटू 1 डिवाइडेड बाई cos x, 1 डिवाइडेड बाई sin x इक्वल टू cos x हो गया,
इंटू वन डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन है आपका सी नंबर में, ठीक है। तो सी नंबर में देखिएगा, यही आपका आंसर दिया हुआ है, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन से जो है बहुत क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो इसको हम कॉस एक्स को, यानी कि इसको हम वाई वन मान लेते हैं, वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स, और इसको हम वाई टू मान लेते हैं एक्स क्यू को। तो इसको जब हम करेंगे तो डी वाई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स। इसको करेंगे तो डी वाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू। तो हमें जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स को हमें कर देना पड़ेगा डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है ये दोनों कट जाएगा, तो आपका बचेगा डी वाई वन डिवाइडेड बाई डी वाई टू, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। तो यानी कि पहला में क्या है माइनस साइन एक्स है डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर जो है किस में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर सी में जो है ये दिया है। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो ए इंटू थ्री होगा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन आगे आता है उसके बाद पावर घट जाता है, उसके बाद कॉस थीटा क्या क्या हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ है आपका वाई इक्वल टू ए इंटू साइन क्यू थीटा, इसको भी अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कि डी बाई बाई डी थीटा इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा ए इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि डी बाई बाई डी थीटा निकल गया, ये क्या हो गया थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम पूछें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। हमें फाइंड करना है डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, तो दो को एक से डिवाइड कर देंगे, तो कर दीजिए यानी कि डी बाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई इधर क्या है डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू इधर है थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थ्री ए, ठीक है, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से देखिएगा थ्री ए कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, और यहाँ जो है एक कॉस कैंसल होगा, तो आपका क्या बचा, और इधर जो है थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर में जो है साइन थीटा बचा है, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है कॉस थीटा जो है बचा हुआ है, और माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा टेन थीटा माइनस में, तो टेन थीटा माइनस में सी आंसर है, तो सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ y इक्वल टू ए वन बाई थ्री एक्स क्यू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव देन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू वन ईच, ठीक है। तो सबसे पहले आप मीनिंग को समझिए, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि आपको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले y इक्वल टू दिया हुआ है वन बाई थ्री एक्स क्यू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन बाई टू इंटू टू एक्स माइनस सिक्स प्लस में जीरो, यानी कि डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से थ्री कैंसल
यानी कि आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से टू कैंसिल, टू कैंसिल, एक्स हो गया माइनस सिक्स। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि हम जो है एक्स इक्वल टू वन पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू पुट पुट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन जब पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा टू माइनस वन इक्वल टू वन। तो वन किस में दिया है, तो सी में जो है आपका वन दिया है, इसलिए सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरिएबल 5, 10, 15, 20, 25 इज। तो सबसे पहले जो है मीन इक्वल टू क्या होता है, तो मीन इक्वल टू सबसे पहले आप सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच से डिवाइड दे दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 25 कितना हो गया 75 हो गया, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 15, तो 15 जो है सी में आंसर दिया है, तो ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ डेटा 3, 1, 5, 2, 6, 8, 4। ठीक है, इसका हमें मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला छोटा नंबर है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है आपका 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद है 8। टोटल नंबर कितना है, तो आपका यहाँ पर 7 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 है, यहाँ भी मेरा 7 है। अब जो है मीडियन पूछ रहा है, तो मीडियन में यहाँ पर कितना है 7 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उतना वाला टर्म यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका फोर्थ टर्म होगा, तो फोर्थ टर्म क्या है 1, 2। ठीक है, उसके बाद 3, 4 यानी कि 4 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, तो बी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा डेट इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड मोड, ठीक है, मोड ऑफ द डेटा। तो मोड क्या है, मोड का मतलब जो ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देख के आप बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, अरेंज करना है तो आप अरेंज कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 17 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। ठीक है, तो 17 जो है यहाँ पर अधिक बार आया है, इसलिए आपका 17 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अरेंज करके इसको देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, दैट इज 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल टू आपका फार्मूला होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एक्स बार क्या है, तो आपका आपको निकालना पड़ेगा मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको फार्मूला तो मालूम है, सबको आपको जोड़ देना है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 हो गया, उसके बाद 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना टर्म है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को टर्म है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जब आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 11 6 17 17 9 26 26 और 10 36 हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 हो गया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स, तो एक्स जो है शुरू में लेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है स्क्वायर होता है सॉरी, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, ठीक है का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है तो 6, तो 6 माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा आपका रूट अंडर, ठीक है, 2 माइनस 4 तो हो जाएगा सॉरी 2 माइनस 6 तो आपका हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस
चार माइनस छः तो दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, प्लस तीन हो जाएगा तो तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, ठीक है, प्लस चार हो जाएगा तो चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा फाइव। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सोलह चार बीस, बीस और एक इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस, तीस और आपका हो गया दस, यानी कि तीस दस चालीस और छः छियालीस डिवाइडेड बाई फाइव, ये अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपका ये है, अर्थात एस इक्वल टू रूट अंडर, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर छियालीस डिवाइडेड बाई फाइव का अंडर रूट आया, तो ये आंसर किसी में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन बाई फोर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन बाई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू वन बाई फाइव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला में डेटा को रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 5 बाई 8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बाई 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 बाई 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो 5 बाई 8 इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 5 बाई 8 इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपका जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका क्या हो जाएगा हम जो है इसको उस साइड ले गए, यानी कि 3 बाई 4 माइनस 5 बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 8, तो 1 बाई 8 किस में दिया है तो आंसर नंबर सी में दिया है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।